दोस्तों, सतीश आचार्य जी के इस कार्टून में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर जा रहा था तो सिक्योरिटी इसका जबरदस्त तरीके से तलाशी ले रही है, पूरी तरह से चेक कर रही है कि क्या क्या इसने अपने जेब में रखा हुआ है। तो दो लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। उधर लास्ट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, व्हाट इज ही सर्चिंग फॉर, ये किस चीज के लिए ढूंढ रहा है, क्या चेकिंग कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है। तो दूसरा जवाब दे रहा है क्वेश्चंस, ये सिक्योरिटी का आदमी जो है वो क्वेश्चंस को ढूंढ रहा है, जेब में सवालों को ढूंढ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विपक्ष का एमपी है ये सवाल तो नहीं लेकर जा रहा सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल, कोई सवाल तो नहीं जो ये मोदी सरकार के खिलाफ लेकर जा रहा है, अगर कोई सवाल होगा तो इसे बाहर से ही निकाल कर फेंक देंगे। क्योंकि लगभग 146 एमपी को अब तक जो कि सवाल पूछ रहे थे सरकार से, उनको निकाल कर फेंक दिया गया है, जबकि जो स्मोक कैनिस्टर ले जा रहे थे, जो धुएं के गोले ले जा रहे थे, उनको तो भाई बड़े आसानी से अंदर जाने दिया गया, लेकिन सवाल पूछने वालों से बड़ी चेकिंग हो रही है और उनको निकाल कर फेंक दिया गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि सिक्योरिटी जो है वो बॉम्ब लेकर जाने वालों को तो ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन सवाल करने वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और मीडिया में भी इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच पर कोई चर्चा नहीं हो रही। वो तो अच्छा था कि इस देश के युवा थे जो अंदर घुसे थे, जिन्होंने सिर्फ धुआं फैलाया था, अगर आतंकवादी उनकी जगह कोई घुस गए होते और ये सिक्योरिटी उनको रोकने में फेल हो जाती तो न जाने कितना अनर्थ हो जाता। लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी सवाल नहीं हो रहा, क्योंकि फिलहाल वहाँ की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भाजपा सरकार की है। तो अब गोदी मीडिया कभी भी भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती, न उनसे कोई सवाल कर सकती है। तो इसी मुद्दे को लेकर जनता सड़कों पे उतरी हुई है। जब संघी देश चलाएंगे तो देश खतरे में रहेगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा। जब तड़ी पार देश चलाएंगे, तड़ी पार कानून मंत्री होंगे तो देश खतरे में रहेगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा। अपमान किया है? अपमान किया किस बात का? स्पीकर का अपमान किया, मिमिक्री की है उनकी। अच्छा, सच्चाई बोल देना, स्पीकर का अपमान हो गया, तड़ी पार का अपमान हो गया, संघियों का अपमान हो गया, और रोज जो देश का अपमान हो रहा है, जो लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करके एक साइड रख दिया जा रहा है, वो नहीं अपमान हो रहा है। कहाँ अपमान हो रहा है? विश्वगुरु बन रहा है भारत, विश्वगुरु बस उनके लोग विश्वगुरु बनाए। हाँ। बाकी इनको पता लग जाएगा सन 2024 में। हाँ, क्या पता लग जाएगा? तीसरी बार फिर मोदी सरकार पार्लियामेंट में नारा लग रही है। देखिए, नारा वो लगाए मोदी सरकार में, पार्लियामेंट में दो लोग बारूद के साथ घुस गए। हाँ। ये तो पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ। कलर बम था। अगर मान लीजिए वो बम लेके घुस जाते तो आप क्या करते? देश क्या करता? हमारे सारे नेताओं का एक 200 करोड़ से पार्लियामेंट बना है, मोदी जी ने कहा 700। ऐसा पार्लियामेंट नहीं चाहिए, ऐसी पार्लियामेंट चाहिए, ऐसी सुरक्षित पार्लियामेंट चाहिए क्या? ऐसी पार्लियामेंट नहीं चाहिए। हाँ। अगर उस जगह पे वो कहीं बम लेकर आ जाते और कुछ ऐसा लेकर आ जाते तो क्या होता? हाँ। क्या होता फिर? मोदी जी तो छुपे बैठे थे ना? बैठे नहीं थे, बनारस में थे ना? नहीं, क्यों हो सकता? मोदी जी की चाल थी, मोदी जी की चाल रही हो, प्रधानमंत्री की चाल रही हो, हमारे नेताओं को उन्होंने धुआं छुड़वाया। उस समय हमारे किसी लीडर को किडनैप कर लेते या किसी पार्टी के लीडर को किडनैप करवा दिया जाता धुआं छुड़वा के। हाँ। ऐसे कैसे पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उतना मोदी के राज में इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। हाँ। इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले कोई घुसा था क्या? और उन्हीं के एमपी के बनाया हुआ पास पे एंट्री किए थे। अगर कहीं खुदा ना खासा दूसरी पार्टी के लोग के पास पे होते, अब तक तो मोदी जी पता नहीं क्या बम ब्लास्ट कर देते कि पूरे हिंदुस्तान में हाय तो बम मच जाता। अगर कोई मुस्लिम होता तो क्या होता? मुस्लिम की तो बात छोड़िए, उस जगह पे किसी और पार्टी का भी कोई होता ना, अब तक मोदी जी तो बम ब्लास्ट कर देते, पूरा तूफान मचा के रख देते। पेट में बच्चा होता ना उसको भी पता लग जाता कि मोदी जी बहुत बड़ा तूफान रचे हैं, पार्लियामेंट में कोई घुस गया है। आज मोदी जी को शर्म आ रही है, प्रधानमंत्री को शर्म आ रही है, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री, ऐसा काय प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा इतिहास में। 56 इनकी छाती वाले हैं, 0 छाती वाले हैं, 56 इंच अपनी मर्जी से 56 बना ले, चाहे सौ इंच बना ले। हाँ। इनकी बिल्कुल 0 छाती है, इनके राज में। हाँ। पार्लियामेंट में लोग घुसे हैं। हाँ। कलर लेकर घुसे हैं, अगर उसी जगह पे कलर बम लेकर घुसे हैं। हाँ। अगर उसी जगह पे कोई खतरनाक बम होता, कोई खतरनाक हथियार होता, राहुल गांधी को डराने के लिए था ये सब? राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, राहुल गांधी अपने वर्करों को भी बोलते हैं कि डरो मत। राहुल गांधी बोलते हैं डरो मत, भाजपा के डरपोक डरपुक्कर लीडर भागने लग गए और राहुल गांधी सीना चौड़ा करके देख रहे हैं कि ये कहां से कूद रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं। हाँ। लेकिन राहुल जी को तो खतरा है। हाँ। ये प्रधानमंत्री की चाल भी हो सकती है। हाँ। आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री की चाल भी हो सकती है। कैसे लोग पार्लियामेंट में घुस गए, प्रधानमंत्री बताएं तो सही कि कैसे घुसे, उनकी कौन सी पार्लियामेंट बनी है ऐसी नई कि जिसमें कोई आसानी से घुस जा सकता है? नहीं जा सकती, तो कैसे फिर? प्रधानमंत्री ने एंट्री करवाया, प्रधानमंत्री ने घुसाया, ये तो साफ जाहिर है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री ये सब कुछ करवा रहा है। हाँ। आरोप लगा रही है, आरोप नहीं है, सच्चाई है, आरोप नहीं सच्चाई है। हाँ। पार्लियामेंट में एक सुई नहीं जा सकती। हाँ। और पार्लियामेंट में कलर बम कैसे गया? हाँ। प्रधानमंत्री की चाल है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री बाहर थे, क्यों थे भाई? नहीं, क्यों भाई,
उसी दिन जाना था दौरे पे, अरे जिस दिन बैठते उस दिन घुसा लेते, उस दिन घुसा लेते तो सब जाइए प्रधानमंत्री चाल चल रहे। आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी, अच्छा ऐसी महिला है, हमें खुश होना चाहिए कि चोर बदमाश उग्रवादी हम बम लेकर पार्लियामेंट में घुस जाएं और हम इनके धन्यवाद करें कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, हम तो कहते हैं 100 इंच का सीना है, ये टायरों का सीना है, ऐसे सीना किस काम के, किसी को भी नेता बना सकते हैं मोदी जी, ऐसे नेता की कितनों को मरवा देंगे तुम, इलेक्शन आने तो दो, कितनों को सफाया करवा देंगे मोदी जी, आने दो इलेक्शन देख लो, आरोप लगा रही हैं, आरोप नहीं है, सच्चाई है। जब पार्लियामेंट में कोई कलर बम लेके घुस सकता है तो ये आम बात है कि कुछ भी लेके कोई घुस सकता है, क्यों प्रधानमंत्री को शर्म आ रही है, टीवी में दिखाने नहीं देते, अखबार में दिखाने नहीं देते, अगर यही किसी और पार्टी का कोई होता तो प्रधानमंत्री जी ना जाने कितनी हाय तोबा कर डालते। स्मृति ईरानी बेशर्मी कहाँ छुपी है, एक बार बोले तो सही, राहुल गांधी के आंख मारना दिख जाता है, राहुल बोल तो रही है, क्या बोल रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है, जो पार्लियामेंट में घुसे हैं कलर बम लेके उनके बारे में क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है उनके बारे में, चुप है ना अमित शाह, क्यों शर्म आ रही है अमित शाह को, मैंने क्या बोला, जब देश के तड़ी पर देश चलाएं, देश के संघी देश को चलाएं, जब संघी भाजपा के संघी देश चलाएं तो देश खतरे में ही रहेगा, जब तड़ी पार कानून मंत्री बने, तड़ी पार कानून मंत्रालय चलाएं तो देश खतरे में रहेगा। पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे लेकिन टीवी चैनल पे तो बोल रहे ना अमित शाह जी, क्यों पार्लियामेंट में शर्मा रही थी, क्यों शर्मा रही है, क्या अमित शाह को शर्मा रही है, नरेंद्र मोदी को शर्मा रही है कि पार्लियामेंट में कलर बम लेकर चले गए, तो इतिहास में पहली बार हुआ, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ कभी भी यहाँ कान खोल लो, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, देश बर्बाद हो जा रहा है, देश बिकने के तागर पे आ गया है, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, कहते तो है हमारे लीडर सुरक्षित हैं, हमारे लीडर सुरक्षित हैं, पार्लियामेंट में जाके सुरक्षित हैं, जब पार्लियामेंट में कोई कलर बम लेके जा सकता है तो हमारे लीडर सुरक्षित हैं, राहुल गांधी के साथ कोई भी घटना घटा सकते हैं भाजपा वाले, ये संघी ये तरी पार, मोदी जी का नाम सुनते ही आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं, मोदी जी कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं यार कि जो हम तिलमिला जा रहे हैं, कायरों वाला काम कर रहे हैं, तिलमिलाएंगे देश हमारा खतरे में, देश के हमारे लीडर खतरे में, पार्लियामेंट में भी सुरक्षित नहीं, आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो कि पार्लियामेंट में भी हमारे लीडर सुरक्षित नहीं, 5 साल और अनाज मिलेगा 5 किलो, वही अनाज मैं बार बार चैलेंज देकर बोलती हूँ अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, 10 किलो अनाज हम लोग इनके घर पे भिजवाएंगे, रिजाइन दे, इनके बस का देश चलाना नहीं, मोदी जी को 10 किलो अनाज, 10 किलो दाल चावल सब्जी सब कुछ 10 किलो अनाज उनके घर पे जाएगा, वो उसी में काम चलाएं, हम लोग भिजवाएंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भिजवाएंगे, मोदी जी कहते तो फक्कर फकी रोजोरा उठा के चल दूंगा, फक्कर फकीर अभी क्या देश बेच के जाएंगे, देश बेचने के बाद जाएंगे, अभी जाओ ना, देश तो बर्बाद हो गया, अभी जाइए, देश मजबूत हाथों में है, इंदिरा गांधी थी जो उन्होंने बोला था कि मेरे खून का एक एक टुकड़ा इस देश के काम आएगा, युवाओं को उकसाने के काम आएगा, एक कायर आदमी प्रधानमंत्री कहते हैं मैं फक्कर आदमी हूँ थैला उठा के चलता रहूंगा, अरे बाबा अभी चले जाओ ने, देश की ऐसी तैसी कर डाले, पार्लियामेंट में तुम्हारे कलर बम लेके लोग एंट्री कर जा रहे हैं, अब कब जाओगे, सारी सरकारी संपत्तियां बेच कर खा गए, सबकी ऐसी तैसी देश की कर दिया, अब कब जाओगे, अभी थैला उठा के चले जाओ।